पूर्वांचल में पशु तस्करों का डंका बज रहा है। पशु तस्कर लग्जरी वाहनों में गोवंशों को सप्लाई कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि शातिर गोवंश तस्कर गोवंश से लदे ट्रकों को पार करने के लिए आगे आगे लग्जरी वाहन पायलटिंग के लिए लगा देते हैं। हालांकि बता दें कि बात करें वाराणसी, आजमगढ़, अमेठी, इलाहाबाद, चंदौली, गाजीपुर समेत कई जिलों की, तो पुलिस गोवंश और तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हुई है। बावजूद इसके जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे गोवंश तस्करों की सक्रियता भी बढ़ती जा रही है। ताजा मामला गाजीपुर जिले का है, जहां पर चेकिंग के दौरान पशु तस्करों और पुलिस टीम से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 5 पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिसमें 2 बदमाश घायल भी हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा यह आया है कि पशु तस्कर लग्जरी वाहन से 2 गोवंशों की तस्करी कर रहे थे। फिलहाल योगी राज में जिस तरह से गोवंशों की तस्करी धड़ल्ले से चल रही है, चाहे पूर्वांचल हो या फिर अवध क्षेत्र, यहां पर पशु तस्करों का काला साम्राज्य फैल चुका है। ऐसे में पुलिस एक्टिव न हुई तो योगी का निर्देश रद्दी टोकरी में भी पड़ा रहेगा। जानवरों का मानना यह भी है कि गोवंश तस्कर और उनके आकाओं पर भी कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि गोवंश तस्कर माफिया अपने किसी गरीब गुर्गो के नाम तस्करी के लिए ट्रक खरीदते हैं। पकड़े जाने पर कार्रवाई होती है, लेकिन तस्करी में लिप्त वाहन दूसरे के नाम होने से गोवंश माफिया बच निकलते हैं। एक मुठभेड़ की सूचना है, क्या है पूरा मामला सर? 10:15 बजे के लगभग सूचना मिली थी कि बिहार के कुछ पशु तस्कर और पशु चोर जनपद की सीमा में प्रवेश किए हैं। इस सूचना पे जनपद में हर जगह चेकिंग कराई जा रही थी। उसके क्रम में थानाध्यक्ष नंदगंज देवकली ब्लॉक मोड पे चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक सवार, बाइक पे 2 मुलजिम और एक स्कॉर्पियो वहाँ से गुजरी, जिनको रोका गया। लेकिन उन लोगों ने रोकने के बजाय पुलिस पार्टी फायर किया। जब इसकी सूचना कंट्रोल रूम से प्रसारित हुई तो अगल बगल के थानों को अलर्ट करते हुए उनको घेराबंदी का प्रयास किया गया। इसी दौरान एसओजी भी उसी क्षेत्र में थी, एसओजी की टीम भी पहुंच गई, जिनसे उन उक्त बदमाशों से चकेरी मोड़ पर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए, 3 अन्य पकड़े गए। साथ में एक स्कॉर्पियो में 3 गोवंश लदे हुए थे, वो बरामद हुई है। एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और 2 कट्टे बरामद हुए हैं, 315 बोर के 6 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। जानकारी प्राप्त हुई कि सभी 5 बदमाश बिहार के रहने वाले हैं। शेष पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई भी की जा रही है।